तो भाई आज नया नया देखो एक ऑल रिबॉन आया है, तो देखो इसमें फिलहाल अभी तो ग्रिल वगैरह का वर्क हुआ सारा, टेल लाइट का एंड राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स का। बाकी अभी जो आप लोग कमेंट कर रहे थे भाई फ्री फ्लो में स्टॉक साइलेंसर का, तो वो वाला भी लगेगा इस पर। तो इसका कैट कैन खुल के हटेगा और वो फ्लिप फ्री फ्लो लाना वहाँ पे हट के, मतलब कि ये स्टॉक वाले साइलेंसर के साथ लगेगा। देखो जस्ट बस इस तरह से कुछ ये फिट होगा। बाकी ये वाला आप लोग अगर शिपिंग कराना चाहो तो शिपिंग भी हो जाएगा, सारा नंबर डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। बस क्या किया, सामने से टान दिए भाई साहब, बहुत जल्दी खुल गया। बस उसको सिर्फ वहाँ ऊपर वाला कैप, ऊपर वाला क्या खोला, प्लेट का नट खोले ना ऊपर का, बस ये वाला बस नट खोला और ये डायरेक्ट बाहर आ गया। ये वाला ढीला किए थे नीचे से, मतलब अच्छा ये हम तब देखे नहीं या फिर रिकॉर्ड हुआ हुआ पता नहीं। बाकी तो कैट कैन हटा के ये वाला फ्री फ्लो बेंड पाइप लगा रहे हैं, जिससे आवाज़ वगैरह तो बढ़ जाता है अगर आप लोग कस्टम एग्जॉस्ट लगाओ, लेकिन अभी स्टॉक में चेक करेंगे कैसा आवाज़ आ रहा है। तो अब इसको निकालने के लिए पहले ये ढीला करना पड़ेगा और ये वाला भी थोड़ा सा बाहर आएगा ना, तो ऊपर से ढीला होगा क्या, ऐसे ही हो जाएगा। देखो खींच करके बाहर आ गया, नहीं हो रहा, बाहर आ रहा, मतलब ढीला करे वो और नीचे क्या, चलो निकाल लो। निकालो, निकल गया वो क्लैंप, ढीला करना पड़ा ना वहाँ का। ये क्या है, इस पे मतलब इस पे स्टॉक पे बुश लगा हुआ है। इसका बुश निकालने में बहुत टेंशन है क्या, पकड़ देता चिपक जाता। ये स्टॉक बुश हुआ ना, ऑफर का बुश आता है हम लोग जो आज लगाते हैं वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, वो लोहा वाला रहता है, वो ज्यादा दिन चलता है, तुरंत गल जाता है। एक कॉपर वाला है, तुरंत गल जाता है। तो अभी दिख रहा आधा कट गया, बाकी तुम उसको फिर पेचकस से काटे हो पूरा। हाथ मत मार लेना दोनों एक दूसरे। इसमें क्लैंप वगैरह सारा लगा हुआ आता है ना, ए टू जेड सारा फिटेड है, बस आपको ढीला करना है और वहाँ पे लगा के बस टाइट कर देना। और उसका अब तो ऐसा आने लगा कि जो स्टॉक वाला प्लेट होता है आपका एग्जॉस्ट कवर का प्लेट वो भी लग जाएगा। देखो वहाँ पे कंप्लीट इजीली फिट हो गया। स्टॉक पत्ती किस में लगा रहे हो, इस वाले में दिखाना पत्ती। स्टॉक पत्ती हो गया ये वाला जो हम लोग खोले कैट कैन से, और ये वाला भी लगेगा कहाँ पे लगेगा, उसके पीछे में। मतलब तो ये वाला बेंड लेने का यही खास बात है ना कि सारा जितना स्टॉक वाला पार्ट है वो सब कुछ लग जाएगा। पहले क्या कर रहे थे कि हम लोग काट के लगा रहे थे, पहले तो काट के लगा रहे थे वो जब स्टार्टिंग मॉडिफिकेशन हुआ था, जब ये वाला पार्ट उतना अवेलेबल नहीं हुआ था हम लोग को। अभी ये वाला पार्ट अवेलेबल है, आपको अगर चाहिए होगा तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है आप लोग, मतलब कॉन्टैक्ट कर लेना, आप लोग को शिपिंग चल जाएगा। बाकी बात इसका फिटिंग होगा, उसके बाद लास्ट में आप लोग को इसका आवाज़ सुनाएंगे एग्जॉस्ट नोट कैसा आ रहा है फ्री फ्लो बेंड पाइप के साथ। देखो ये वाला फ्री फ्लो बेंड पाइप तो लग गया और अभी हम लोग स्टॉक साइलेंसर इस पर लगा के देख रहे हैं। आवाज़ में थोड़ा बहुत तो चेंज होगा क्योंकि फ्री फ्लो हो गया, अब आवाज़ देखते कैसा करेगा क्योंकि अभी तक मैंने सुना नहीं, ये पहली बार देख रहा हूँ इस टाइप से। और एक कमेंट भी आया था तो भाई लगे हाथ, चलो कमेंट भी फुलफिलमेंट हो ही गया। बाकी बात इसको लगाते हैं अब, मतलब फरहान भाई लगा रहे हैं हमारे, हम नहीं लगा रहे। वैसे कपड़े निकालना होगा, कटिंग होगा।
और सारा फिटिंग वगैरह वैसे वो वाला बचा ना, प्लेट लगाना। अच्छा अभी मिल गया, देखते कितना किलोमीटर चला हुआ। चौसठ किलोमीटर चला, 64। नहीं नहीं ज़्यादा चला हुआ है, 795 किलोमीटर चला हुआ है। तो देखो फिटिंग वगैरह तो हो गया और लग नहीं रहा है कि कुछ एडिशनल ऐड हुआ, लग रहा स्टॉक ही है। भाई ऐसे तो एग्जॉस्ट रोड में कुछ उतना अंतर नहीं समझ में आ रहा, बस कुछ परसेंट का आवाज़ बढ़ा है, बाकी अभी देखो ये सब लगेगा तो आवाज़ बढ़ जाएगा। ऐसे तो एकदम स्मूथ ही है, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा साइलेंट है भाई, ये लगाने के पहले भी, ये जब लगा हुआ था तब भी इसी की तरह आवाज़ आ रहा था, और ये हटने के बाद भी उतनी ही आवाज़ है, लेकिन एग्जॉस्ट लेने टाइम थोड़ा सा आवाज़ इंक्रीज हो रहा है, मतलब 5-10% कुछ। तो हेडलाइट ग्रिल वगैरह इसमें लग गया है भाई, सारा हेडलाइट ग्रिल वगैरह, और एग्जॉस्ट नोट थोड़ा सा भारी हुआ है, उतना अंदर तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन थोड़ा सा भारी हुआ है एग्जॉस्ट नोट, जैसा भी सुनाते हैं आप लोगों को एक बार। अभी देखिए अभी वेंट पाइप बंद नहीं हो रहा था। मतलब थोड़ा सा भारी होगा आपको एग्जॉस्ट, अगर आप लोग नॉर्मल चाहते हो सिर्फ वेंट पाइप चेंज कराना है तो। एक चीज़ नोट करेंगे कि पटाखा जो फूटता था बीच बीच में, अभी ज़्यादा फूट रहा था क्योंकि फ्री फ्लो हो गया, तो पटाखा तो आप लोगों को पता है रिबॉन में अपने अपने फूटता है, अपना फोड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन वही है कि अब एग्जॉस्ट सही आ रहा है। तो होपफुली गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा इस वाली रिबॉन पे, जैसा इसका बेंड पाइप वगैरह चेंज हुआ। बाकी बात अगर आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग बेंड पाइप चेंज कराते हो तो एग्जॉस्ट नोट भी चेंज करा लो भाई, तब पूरा फील आएगा। ऐसे 50-50 फील में उतना मज़ा नहीं है, लेकिन चेंज कराने वाले ने जब इसे चेंज कराया ही है तो एग्जॉस्ट नोट एक फ़ायदा हो रहा है कि थोड़ा सा भारी हो जा रहा है, लेकिन अगर आप लोग एग्जॉस्ट नोट भी चेंज कराते हो तब पूरा मज़ा आएगा। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा दोनों साथ ही में चेंज कराओ, ऐसा सिंगल सिंगल तो उतना मज़ा नहीं है, आप लोगों के लिए बता रहे हैं। चलो होपफुली आपको मतलब कि सारा सिस्टम वगैरह भी समझ में आ गया होगा, कैसे इसका कैट कैन खोला एंड कैसे इसका बेंड पाइप वगैरह लगा, और जो कस्टम बेंड पाइप है वो कंप्लीट आराम से फिट हो गया। एक क्लैंप नीचे लगता है और यहाँ पे एक प्लेट लगा उसके ऊपर, देखो ये जो स्टॉक प्लेट था वो नॉर्मली इस पर मतलब कि टाइट हो गया, और एक जो इस वाले में जो क्लैंप लगा हुआ था यहाँ पे, वो वाला आपका क्लैंप यहाँ पे लग गया आपका कस्टम बेंड पाइप पे। और एग्जॉस्ट तो आपको पता है जैसे कि डायरेक्ट फिट हो गया, तो एग्जॉस्ट डायरेक्ट फिट हो के नीचे में एक क्लैंप दिया हुआ वो टाइट हो गया, और यहाँ पे तो बाकी लग ही गया सब कुछ। तो ए टू जेड सारा फिटिंग भी आप लोगों ने देख लिया कैसा फिटिंग होता है। तो अगर आप लोग ये वाला बेंड लेते हो तो कोई आप लोग झमेला नहीं होगा, जो जो पार्ट आपका
स्टॉक वाले मतलब कैट कैन में लगा हुआ था वो सारा पार्ट आपका कस्टम मेड में लग जाएगा, तो एज सच कोई दिक्कत नहीं होगा, बाकी आवाज़ तो ठीक ही है। चलो वीडियो एंड करते हैं, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा। और ये वीडियो शूट करें न्यू बिहार ऑटोमोबाइल में, तो इनका सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। और ये वाली मतलब ब्रांड न्यू ही बाइक है मैं बोलूँगा भाई, 700 किलोमीटर चली हुई है। बाकी एनीवेज चलो वीडियो एंड करते हैं, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा। यार सब्सक्राइब करो, 100K हम हिट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।